पंजाब की सब तो अहम ते उच्च पदवी वाली पोस्ट मुख सकत्तर दी। वीके जंजुआ जिहड़े कि मौजूदा मुख सकत्तर ने पंजाब सरकार के अंदर 30 जून नू रिटायर्ड हो रहे ने अपने अहुदे तो सेवा मुक्त हो रहे ने ते उस तो पहला उन्होंने एक्सटेंशन भी मंगी सी पर सेंटर सरकार ने ना कर दिती है। ये जिहड़ी ना कीती गई है मुख सकत्तर की एक्सटेंशन की हरियाणा सरकार ते पंजाब सरकार दोवां दे मुख सकत्तरां ने जिहड़ी एक्सटेंशन मंगी सी पंजाब सरकार ने पर वो गल नहीं बनी। सेंटर सरकार ने ना कर दिती अपनी ताकत की वरतों करदिया होया पर हुण सवाल है कि हुण अगला मुख सकत्तर कौन बनेगा। सब तो वड्डी गल ये है कि इस दौड़ दे विच काफ़ी चेहरे शामिल ने जिस दे विच सीनियर IAS अफसर ने। सब तो मोस्ट सीनियर IAS अफसर की पहला गल करते हैं VK सिंह। उन्हों का भी पूरा नाम विजय कुमार है जिहड़े कि इस वक्त ज्वाइंट सैकटरी के तौर पर पंजाब केडर के 1990 IAS अफसर ने सीनियर मोस्ट ने। वो इस वक्त डेपुटेशन ते सेंटर दे विच सेवावां दे रहे ने। वो भी इस दौड़ दे विच शामिल ने और इस तो अगला नाम आउंदा है अनिरुद्ध तिवाड़ी का जिहड़े कि सानू सरकारी सूत्रों तो भी पता लग्या कि अनिरुद्ध तिवाड़ी भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब की पसंद भी ने ते मुख्यमंत्री भगवंत मान की जेकर इस मसले दे विच चलदी है तो अनिरुद्ध तिवाड़ी नू अगला मुख सकत्तर पंजाब का बनाया जा सकता है। इस तो अलावा जेकर गल करिए अनिरुद्ध तिवाड़ी की सेवा की तो इस पहला भी मुख सकत्तर पंजाब के रह चुके ने जदों चन्नी की 111 दिन वाली सरकार आई सी उस वक्त भी अनिरुद्ध तिवाड़ी नू ही मुख सकत्तर लगा दिता गया सी। और उस तो बाद जदों सत्ता में तब्दीली आई आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 दी चोणां च चुण के आउंदी है तो उस तो बाद फिर मुख सकत्तर दे अहुदे तो अनिरुद्ध तिवाड़ी नू हटा दिता गया सी। तां हुण मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्हां नू पहली पसंद के तौर के उत्ते वेख रहे हैं। और इस तो अगला नाम आउंदा है अनुराग वर्मा का जिहड़े कि 1993 IAS बैच के जिहड़े ने अधिकारी ने केडर ने पंजाब केडर के वह होम सैकटरी के तौर के उत्ते काम कर रहे हैं। तो अनुराग वर्मा भी अगले मुख सकत्तर की दौड़ जिहड़े चेहरे शामिल ने उन्हां विचों ये भी एक मन्ने जा रहे हैं। एक नाम है KT सिन्हा का, उन्होंने भी घटा के नहीं देखा जा सकता। वह भी इस वक्त जिहड़े ने पंजाब के अहम अहुदे दे उत्ते तैनात ने और फाइनेंस कमिश्नर के तौर के उत्ते फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर वो एक अहम अहुदे दे उत्ते काम कर रहे हैं। KT सिन्हा उन्होंने भी अगला मुख सकत्तर नियुक्त किया जा सकता है। हुण गल आउंदी है अनुराग अग्रवाल की, वह भी इस दौड़ दे विच शामिल ने जिहड़े अगला मुख सकत्तर बनन दे काबिल समझे जा रहे हैं उन्होंने भी लगाया जा सकता है। और जेकर गल की जाए इन्हां सारे नामां दे विचों VK सिंह इस वक्त डेपुटेशन ते ने सेंटर दे विच सेवावां निभा रहे ने उन्होंने भी मुख सकत्तर बनाया जा सकता है। अनिरुद्ध तिवाड़ी भी बन सकते हैं, अनुराग वर्मा भी बन सकते हैं, KPA सिन्हा भी बन सकते हैं, अनुराग अग्रवाल भी बन सकते हैं। पर आखिरी फैसला तो पंजाब सरकार ने ही करना है। इस दे विच किसी एक व्यक्ति विशेष की चलती है जां फिर आम आदमी पार्टी की दिल्ली बैठे सुप्रीमो की चलती है, ये उसके उत्ते भी निर्भर करता है कि मुख सकत्तर की जिहड़ी कुर्सी है किस दे हिस्से आउंदी है, किहड़े IAS अफसर के हिस्से आउंदी है। और जेकर नियमों की गल की जाए तो मोस्ट सीनियर अफसर नूं ही इस विच पहल दित्ती जांदी है, पर फिर भी जिहड़े 4-5 नाम तुहाडे नाल सांझे कीते ने उन्हां विचों किसी नूं भी मुख सकत्तर दे अहुदे ते नियुक्त किया जा सकता है। जिवें पहलां जानकारी दित्ती है सूत्रां दे हवाले तो सानूं भी पता लग्गिया कि अनिरुद्ध तिवाड़ी जिहड़े चरण सिंह चन्नी दे वेले मुख सकत्तर बने सन उन्हां नूं मुख्यमंत्री भगवंत मान जिम्मेवारी दे सकते ने। पर जेकर इस मसले दे विच भी जिवें वख-वख अहुदिआं दे उत्ते आवाज़ उठी है, विरोधी धिर ने भी बड़े सवाल खड़े किए कि दिल्ली तो बहुत सारिया गल्लां ने जिहड़ियां वह हुक्म चला दिता जाता है तो इत्थे लागू कर दिता जाता है। जेकर दिल्ली वालियां दी चलदी है तो फिर इस दे विच VK सिंह का नंबर भी लग सकता है, अनुराग वर्मा का नंबर भी लग सकता है, अनुराग अग्रवाल का भी नंबर लग सकता है, बाकी जिहड़े नां ने उन्हां दा नंबर लग सकता है। हुण देखते हैं कि अगला मुख सकत्तर पंजाब का कौन बनता है, पर छेती ही इस दे उत्ते फैसला पंजाब सरकार नूं लैणा पवेगा क्योंकि 30 जून तक ही VK जंजुआ जिहड़े इस वक्त कुर्सी दे उत्ते विराजमान ने मुख सकत्तर दे अहुदे दे उत्ते। और इस वक्त जेकर सरकार दे 15-16 महीनों की कारगुजारी नूं वेख्या जावे तो उस दे विच सब तो सरकार दे नेड़ले भरोसेयोग IAS अफसरां दे विचों सरकार ने इन्हां नूं मन्निया, इसे करके जिहड़ा भरोसा जताउंदिआं होइआं उन्हां नूं ही इस अहुदे दे उत्ते नियुक्त किया गया सी। ते काफ़ी नेड़ता जिहड़ी उह सरकार दे कम्मां दे विच और उन्हां तों सलाह मशवरे भी लए जांदे रहे ने और एक उन्हां दी अपनी कुर्सी दी ताकत है उस दी वरतों करदिआं वी उन्हां ने सरकार दे नाल जिहड़ा तालमेल बिठा के जिस तरह दा रख्या किसी भी तरह की कोई अजिही गल उस दफ्तर दे विचों नहीं निकल के आई जिस दे नाल इह सवाल उठे होण के
पंजाब दे मुख मंत्री ते मुख सकत्तर दा तालमेल ही नहीं है। एक बार भी जिहा नहीं आया, इस करके उन्होंने जिहड़ा अहम मन्निया जा रहा सरकार दे अंदर। और जेकर गल करिए PPSC चेयरमैन की, 30 जून नूं जिथे वह सेवा मुक्त सौदे तो हो रहे हैं, तक के जिहड़े VK जंजुआ ने उन्होंने उधरों एक्सटेंशन भी नहीं मिली सेंटर सरकार तो कि वह मुख सकत्तर दे उहदे उत्ते बने रहन। इस करके उन्होंने PPSC दे चेयरमैन की कुर्सी खाली है, उसके लिए भी अप्लाई कर दिता, उसके लिए भी अपना जिहड़ा दावा रख दिता है। इस दावे दे विच भी काफ़ी हुण जिहड़ी दौड़ है दिलचस्प बन गई है, क्योंकि इस दे विच कई IPS अधिकारी ते IAS अधिकारी खुद अपने आप को दावेदार मान रहे हैं। खास करके इस विच हुण दो नाम, एक IAS पास्यों सब तो टॉप के उत्ते VK जंजुआ नूं मन्निया जा रहा, क्योंकि उन्होंने अप्लाई इस सीट के लिए भी कुर्सी के लिए भी कर दिता कि PPSC दे चेयरमैन बन जाण। और दूजे पासे सेवा मुक्त होए ADGP जतिंदर औलख का नाम भी मन्निया जा रहा कि वह भी PPSC दे चेयरमैन बनाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। तो हुण ये दोवें ही अहम अहुदे ने, एक PPSC चेयरमैन का, यह भी उच्च अहुदिआं विचों एक मन्निया जांदा है पंजाब सरकार के अंदर, स्टेट गौरमेंट के अंदर। और दूजे पासे मुख सकत्तर का जिहड़ा अहुदा वह भी अहम है। देखते हैं कि किहड़े नां दे उत्ते मोहर छेती लगती है, कुछ ही इस हफ्ते दे विच विच ही फैसला लेना पवेगा। इस करके क्योंकि 30 जून तक VK जंजुआ उस कुर्सी पर विराजमान रहेंगे, और उस तो बाद ये जिहड़े चेहरियां दे नाम तुहाडे नाल सांझे कीते ने उन्हां दी जड़े उन्हां दे विचों एक दे नां दे उत्ते मोहर लगनी है, PPSC चेयरमैन वाले पासे भी और मुख सकत्तर दे अहुदे दे उत्ते भी। देखते हैं कि किस नाम दे उत्ते मोहर लगती है, तुहानू किहड़े IAS अफसर दे उत्ते वध भरोसा लगता है, जां तुसीं अपनी असैसमेंट की मनदे हो कि इत्थे हुण पंजाब सरकार जिहड़ा अगला मुख सकत्तर नियुक्त करेगी, जिसनों भी तैनात करेगी, उस तो होर की उम्मीदां रखियां जा सकदियां ने कि पंजाब सरकार दे विच किस तरह की भूमिका निभावे, जो मुख सकत्तर दे कोल ताकतां ने सरकार नूं चलाउण दीआं सारे महकमियां दे सकत्तरां दे नाल तालमेल करके जां वख-वख महकमियां दे उत्ते निगरानी रख के किस ढंग दे नाल पंजाब नूं अगे वधाया जा सके। नीतियां दे तौर दे उत्ते खास करके अपना सुझाव अपनी सलाह भी तुसीं दे सकदे हो पंजाब सरकार नूं, तां कि उस नूं ध्यान विच रखदे होइआं कि लोक की चाहुंदे ने उस नूं लै के भी फैसला किया जा सके। पर आखिरी फैसला पंजाब सरकार का होगा, मुख्यमंत्री भगवंत मान का होगा कि वह हुण मुख सकत्तर की सीट के उत्ते किस IAS अफसर नूं बिठाउंदे ने और PPSC का चेयरमैन कौन बनता है। फिलहाल तुसीं बने रहो अगले अपडेट तक KBC पंजाब के नाल।